हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका YouTube चैनल ट्रैक और एनिमेट पर। तो आज के इस वीडियो में हम 3ds Max के बारे में जानने वाले हैं कि 3ds Max कौन सा सॉफ्टवेयर है और 3ds Max कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बेसिक में 3ds Max के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल का हिस्सा बन सके। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, 3ds Max को आज सीखा जाए। तो ये 3ds Max का इंटरफेस है। तो इस वीडियो में और आने वाले हर वीडियो में मैं हिंदी में ही बात करने वाला हूँ। तो अभी हम 3ds Max के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि 3ds Max कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों, 3ds Max कई जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में 3ds Max का यूज़ किया जाता है, एनिमेशन इंडस्ट्रीज़ में 3ds Max का यूज़ किया जाता है, और 3ds Max में मॉडलिंग करके उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मॉडलिंग के बारे में बेसिक सिखाने वाला हूँ कि कैसे 3ds Max में मॉडलिंग किया जाता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 3ds Max में इंटरफेस कैसा होता है, रेंडरिंग कैसे की जाती है, बेसिक में आपको बताने वाला हूँ। तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हो कि यहाँ पे एक मेन्यू बार दिया गया है जिसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, टूल्स, ग्रुप, व्यू, क्रिएट, मॉडिफायर, एनिमेशन, ग्राफिक एडिटर, रेंडरिंग, सिविल व्यू, कस्टमाइज, स्कल्पटिंग, इंटरैक्टिव, कॉन्टैक्ट, आर्नोल एंड हेल्प। तो ये मेन्यू बार है जिसमें हम इसे फाइल में आके हम 3ds Max को सेव कर सकते हैं। तो 3ds Max को जब भी हम सेव करेंगे तो सेव एस पे क्लिक करके हम इसे सेव करेंगे और हमेशा डॉट max फाइल में ही सेव करते हैं। तो ये सेव का बेसिक मैं आपको बता दिया। और अगर आपको 3ds Max को ओपन करना है तो आप डायरेक्ट ओपन में क्लिक करके जहाँ पे आपने फाइल को सेव किया है उस जगह जाके आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो। तो अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको और ऑप्शंस दी गई है, जैसे कि मॉडलिंग ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, फ्री फॉर्म आपको दिखाई देगा, बाद में सिलेक्शन आपको दिखाई देगा। ये सब हम मॉडलिंग के समय इस्तेमाल करते हैं। और आप लेफ्ट की तरफ देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देता है जहाँ पे जब भी आप मॉडलिंग करोगे तो आपने जो कोई भी बॉक्स क्रिएट किया हुआ है उसके नेम्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको नेम्स और कौन से ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया वो इस एरिया में आपको दिखाई देंगे। आप राइट की तरफ देख सकते हो तो यहाँ पे सिलेक्टिव बॉक्स ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट प्लस का साइन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड प्रिमेटिव ऑप्शन दिखाई देगा और उसके अंदर आपको और कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको बॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, कोन का ऑप्शन दिखाई देगा, और अगर आपने सेकेंड ऑप्शन जो कि है मॉडिफाई पर क्लिक किया तो अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब भी हम यहाँ पे इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मॉडिफाई का कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके बाद का ऑप्शन है हायरार्की, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि अफेक्ट विविट ओनली, अफेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली, अफेक्ट हायरार्की ओनली। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं राइट साइड के तरफ। उसके बाद हम नीचे एक बॉटम की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक नेविगेशन की भी दिखाई देती है जहाँ पे आपको फ्रेम्स दिखाई देंगे। इसके बारे में भी आपको नए लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि एक क्यू इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि अभी मैं प्ले पे क्लिक किया तो ये बार आगे की तरफ जा रहा है। फिर आपको यहाँ पे की के ऑप्शन दी गई है, ये ऑटो की का ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो 3ds Max में बेसिकली हम 3D मॉडल्स करते हैं। तो अभी मैं आपको एक बेसिक बॉक्स बना के दिखाता हूँ कि आप 3ds Max में बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप राइट की तरफ यहाँ पे देख सकते हो कि आप एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको बॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो जस्ट आप बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जो सेंटर में दिया हुआ है इसे हम व्यू पोर्ट कहते हैं या फिर पर्सपेक्टिव पोर्ट भी कहते हैं। अगर आपको
क्वाड्रेंट में अगर आपको देखना है कि आपको फ्रंट व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है, टॉप व्यू देखना है, तो जस्ट आप ऑल्ट एंड डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए। तो जैसे आपने ऑल्ट एंड डब्ल्यू प्रेस कर दिया कीबोर्ड पे, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो है फ्रंट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो है टॉप क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो है लेफ्ट साइड, एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो है पर्सपेक्टिव। तो अगर हमें पर्सपेक्टिव में काम करना है तो जस्ट पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर दीजिए, एंड उसके बाद आप वापस ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे। अगर हमें टॉप व्यू में काम करना है तो सिंपल है, जस्ट ऑल डब्ल्यू टॉप क्लिक कर दीजिए कीबोर्ड पे, उसके बाद टॉप व्यू पे क्लिक कर दीजिए और अगेन ऑल डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए, तो आप टॉप व्यू में इजीली आ जाओगे। तो अब हम पर्सपेक्टिव व्यू में काम करेंगे, तो पर्सपेक्टिव व्यू में ऑल्ट एंड डब्ल्यू से हम काम करते हैं। अगर आपको पर्सपेक्टिव व्यू में इसे हमें मूव करना है, तो आप जस्ट माउस पे मिडल बटन को क्लिक करके आप इजीली मूव कर सकते हो, एज वेल एज आप टॉप व्यू में भी इसे मूव कर सकते हो, साइड व्यू में भी इसे मूव कर सकते हो, फ्रंट व्यू में भी इसे मिडल माउस बटन क्लिक करने के बाद इसे मूव कर सकते हो। तो अब हम पर्सपेक्टिव मोड में आते हैं। अगर हम इसे रोटेट करना है तो हम जस्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे और मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे। तो मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इसे मूव करना है तो आप सिर्फ मिडल माउस बटन को क्लिक कर दीजिए और इसे हम इजीली मूव कर सकते हैं। अगर हमें इसे रोटेट करना है पर्सपेक्टिव मोड को, तो आप ऑल्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद मिडल माउस का बटन क्लिक करके माउस को ड्रैग कर दीजिए, तो इससे आप इजीली इसे रोटेट कर पाओगे। तो अभी हम यहाँ पे एक बॉक्स बना के आपको दिखाएंगे। और एक बात है कि अगर आपको इसे आगे या पीछे पर्सपेक्टिव मोड को जूम या जूम आउट करना है तो क्या करना चाहिए। तो अगर आपको जूम इन या जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल ऑल्ट प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आप मिडल माउस से माउस को आगे या पीछे ड्रैग कर सकते हो, जिससे हमारा पर्सपेक्टिव मोड में हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं इजीली। तो मैं आपको वापस से बताता हूँ कि अगर आपको पर्सपेक्टिव मोड को मूव करना है तो आपको सिर्फ माउस में मिडल बटन को क्लिक करके माउस को लेफ्ट राइट करना है या ऊपर या नीचे करना है। अगर आपको इसे रोटेट करना है तो आप ऑल्ट प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आपको मिडल माउस बटन से लेफ्ट या राइट में माउस को मूव करना है। अगर आपको जूम इन या जूम आउट करना है तो आपको कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके मिडल माउस प्रेस करके आगे या पीछे माउस को मूव करना है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें आप बॉक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे राइट साइड की तरफ आपको बॉक्स ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने इस पर क्लिक कर दिया, फिर आपको क्या करना है, पर्सपेक्टिव मोड में जाना है और फिर आप माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके रखिए और ड्रैग कर दीजिए माउस को, एंड फिर आप छोड़ दीजिए और फिर ऊपर की तरफ माउस को ड्रैग कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मैं पहले ही आपको बताया था कि आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करोगे तो उसका स्पेसिफिकेशंस एंड नेम लेफ्ट राइट की तरफ आपको दिखाई देंगे। जिसके अभी मैंने यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आपको बॉक्स का नेम दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस बॉक्स के नेम को रीनेम करना चाहते हो तो सिंपल है, जैसे इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पे क्लिक कर दीजिए, तो आप इस पे इजीली इसे रीनेम कर सकते हो। तो अब हम इसे रीनेम करेंगे बॉक्स वन, अभी हमने इसे रीनेम कर दिया है। तो अगर अभी हम देख रहे हैं कि इस बॉक्स का साइज विड्थ हमें अगर चेंज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे सेंटर में लाना है तो यहाँ पे मैं आपको तीन ऑप्शन बताऊंगा कि जो फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं मूव ऑप्शन, जिससे हम बॉक्स को इजी मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे मूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और इसके नीचे आपको लिख के दिया होगा शॉर्टकट की, जो कि है W। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे मूव कर सकते हो, अन्यथा आप W प्रेस कर दीजिए और इसे आप कोई भी एक्सेस में मूव कर सकते हो। जैसे अगर हमने Y पे क्लिक किया यहाँ पे, और अगर हमने Y एक्सेस में इसे मूव किया तो हम इसे Y एक्सेस में इजीली मूव करेंगे कर सकते हैं, और अगर हमने X पे क्लिक किया तो हम इस X एक्सेस में मूव कर सकते हैं, अगर हमने Z पे क्लिक किया तो हम इसे Z एक्सेस पे मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसके सहायता से हम इसे इजीली मूव कर सकते हैं।
हम हर एक्सेस पे से इजीली मूव कर सकते हैं। तो अभी अगर हमें इस बॉक्स को रोटेट करना है तो क्या करना चाहिए? तो अगर हमें इस बॉक्स को रोटेट करना है तो मूव के साइड में ही आपको एक रोटेशन का सिंबल दिखाई दे रहा होगा जिसका शॉर्टकट ई, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अन्यथा आप कीबोर्ड पे ई क्लिक कर दीजिए, कीबोर्ड की पे ई, जिसके सहायता से आप इसे इजीली रोटेट कर सकते हो कोई भी डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। और अगर इसे आपको अंडू करना है तो जस्ट कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए, तो जिसके सहायता से यह अंडू हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इसके लेंथ, विड्थ और हाइट को आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको राइट साइड की तरफ यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो जस्ट मॉडिफाई का ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको पैरामीटर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हाँ दोस्तों, ये यही इस बॉक्स के पैरामीटर्स है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके लेंथ को, विड्थ को और हाइट को कैसे चेंज किया जाता है। उसके साथ ही साथ मैं आपको इसके सेगमेंट्स को भी इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाऊंगा। और तो पहले मैं इसके लेंथ को इंक्रीज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आप इसे इजीली लेंथ चेंज कर सकते हो। तो अभी 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 हम इसको 50 लेते हैं, तो लेंथ 50 हो गई। तो अभी विड्थ देखते हैं, विड्थ को भी हम 50 लेते हैं एंड हाइट को भी हम 50 लेते हैं, ताकि ये बॉक्स की तरह दिखाई दे। उसके बाद तो मैं आपको बताया था कि इसके हम सेगमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली सेगमेंट्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स इस तरह से होते हैं। देखो दोस्तों, अभी आपको कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर आपको सेगमेंट्स देखने हैं तो आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड पे F4 का जो ऑप्शन होता है, F4, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको सेगमेंट्स दिखाई देंगे। मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको सेगमेंट्स देखने हैं तो आप कीबोर्ड पे F4 जो की है उसे आप प्रेस कर दीजिए, तो आप सेगमेंट्स देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको विड्थ के सेगमेंट, चलो हम लेंथ के सेगमेंट को रखते हैं 3 एंड विड्थ के सेगमेंट को भी रखते हैं 3 एंड जो हाइट होते हैं उसके भी रखते हैं 3, तो हम इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताते हैं यहाँ पे इसे अगर हमें कुछ मटेरियल असाइन करना है तो हम किस तरह से इसे मटेरियल असाइन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करके रखिए, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, तो फिर एक मटेरियल ऑप्शन क्रिएट होगा एंड वो ओपन होगा। तो अभी एक मटेरियल ऑप्शन का फोल्डर ओपन हो गया है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बेसिक मटेरियल कैसे इनपुट करते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे, तो आप यहाँ पे सेंटर में आने का राइट क्लिक कर दीजिए, उसके बाद मटेरियल्स में जा सकते हो। उसके बाद आप कोई सा भी मटेरियल डाल सकते हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ऑटोडेस्क सिरेमिक मटेरियल डालेंगे, तो यहाँ पे पहले से ही नोट्स क्रिएट हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इसे असाइन करना है इस बॉक्स पे, तो आप क्या करो, इस पे डबल क्लिक कर दीजिए एंड फिर पे बॉक्स, छोटा बॉक्स दिख रहा है, इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको ये बॉक्स बड़ा हो जाएगा या फिर मैग्नीफाई हो जाएगा। और अगर हमें ये मटेरियल इस बॉक्स पे असाइन करना है तो हमें सिर्फ सिंपल है, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए और फिर असाइन मटेरियल कर दीजिए। तो फिर देखिए दोस्तों, मटेरियल असाइन हो गया है। और अगर हमें इसे व्यू पोर्ट में शो करना है तो राइट क्लिक कर दीजिए एंड शो मटेरियल इन व्यू पोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, और आप रेड लाइन देख सकते हो, एज वेल एज ये मटेरियल व्यू पोर्ट में भी सेव हो चुका है। तो दोस्तों, अगर हमें इसे बेसिक में, मैं आपको बता देता हूँ कि रेंडर करना है तो आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको कई सारे रेंडर्स ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आप यहाँ पे रेंडर होते हुए देख सकते हो। तो दोस्तों, यह बेसिक था 3ds Max के बारे में कि आप बॉक्स कैसे बना सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एडवांस में बताऊंगा कि 3ds Max में आप 3D मॉडल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो, एनिमल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो आपको मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।